वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते जेकर वीडियो वधिया लगेगी ते इसनूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना अते सारयां दे अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि वीडियो नूं अंत तक अते ध्यान नाल सुनना, क्योंकि जे अपनी एक गल भी विचों मिस हो जावे ते गल दी पूरी समझ नहीं पैंदी। इसलिए वीडियो नूं ध्यान नाल सुनिया करो। मेरे पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे समय दे विच एक पंडित होया। रोजाना ही मेरे पंजवें पातशाह जी नूं वेद शास्त्र दीआं कथा कहानियां सुणाउंदा सी ते कहिंदे एक दिन जदों पातशाह दे पास पहुंचिया तो उन्हें देखिया कि वह अपनी किताब घर भुल आया है जिस दे विचों वह सब कुछ सुणाउंदा सी। तां उसने पातशाह अगे बेनती कीती कि पातशाह मैं किताब घर भुल आया हाँ ते मैं हुणे जाके किताब लैके आउणा हाँ अते फिर तुहानूं कोई भी कथा कहानी सुनावांगा। ते मेरे पंजवें पातशाह कहिंदे कि ठीक है पंडित जी, जाओ लै आओ किताब। ते कहिंदे उह पंडित अपने घर वल चल पिया, पर कहिंदे जल्द ही उहने पैरी झट ही खाली हाथ पंडित वापस आ गया। तो पंडित नूं खाली हाथ आए नूं देख के पातशाह कहिण लगे कि की गल पंडित जी, इन्नी जल्दी वापस आ गए हो अते किताब भी नहीं लैके आए। तो पंडित कहन लगा कि पातशाह रस्ते दे विच जांदिया जांदिया एक बिल्ली मेरा रस्ता कट गई सी, इस करके मैं वापस आ गया हाँ। इतिहासकारा ने किसी ने बिल्ली लिखिया है, किसी ने गधा लिखिया है, चलो आप बिल्ली ही मान लेने हैं। तो कहिंदे पातशाह कहन लगे कि बिल्ली तेरा रस्ता कट गई, भाव कि तेरे अगों दी लंघ गई, तो तू वापस क्यों आ गया। तो पंडित कहन लगा कि बिल्ली दे रस्ता कट्टन कारण मैं वापस तां आ गया पातशाह कि मेरा किते कोई नुकसान ना हो जावे। तो मेरे पंजवें पातशाह मुस्कुराउंदे हुए पुछन लगे कि पंडित जी, जदों अज सवेरे उठे सी ते सब तो पहला की कम कीता सी। तो पंडित कहन लगा कि पातशाह मैं अपने देवी देवत्यां नूं याद कीता सी, वो अपने किसी देवते दा बड़ा वड्डा उपासक सी। तो उसने दस्सिया कि मैं अपना सब तो पहला उठिया, अपने देवते दा नाम जपिया, उन्हां दे दर्शन कीते। तो मेरे पंजवें पातशाह मुस्कुराउंदे हुए कहन लगे कि पंडित जी, कि जिस दे तुसीं अमृत वेले उठ के दर्शन कीते, जिन्हां दा तुसीं नाम जपिया, जिन्हां दी तुसीं पूजा कीती, तुसीं उस नालों एक छोटी जी बिल्ली नूं वड्डा समझ लिया, भाव कि तुसीं अपने गुरु नालों वध ताकतवर उस बिल्ली नूं समझिया अते उस बिल्ली दे रस्ता कट्टण तों डर गए अते वापस आ गए। ते कहिंदे उह पंडित इह सुण के बड़ा ही शर्मिंदा होया। पातशाह ने समझाया कि तू अपने भगवान नूं उस निक्की जिही बिल्ली सामने बड़ा छोटा कर दिता, क्योंकि तेनू अपने भगवान उत्ते विश्वास ही नहीं सी, तेनू उस उत्ते भरोसा ही नहीं सी। तेरे मन विच एक वार ये गल नहीं आई कि मेरा भगवान कितना वड्डा है, वह मेरी रक्षा कर सकता है। पातशाह ने समझाते हुए कहा कि शेर नाल दोस्ती करन दा की फायदा जे आपां गिदड़ा तो ही डरी गए, भाव कि सानू अपने वाहिगुरु अकाल पुरख जी का नाम जपण दा की फायदा जे असी भी वादू दे व्यर्थ ही वहमां भरमां विच पए रहे, वादू दे डरां नूं ही अपने अंदर पाल रखिया, तो फिर साडा भी वाहिगुरु कहण दा की फायदा, उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी दा नाम जपण दा की फायदा। ते सानू इस साखी तो यही सिक्ख्या मिलती है कि जो गुरु नानक पातशाह जी की शरण विच आ गए तो फिर सारे मन दे डर दूर हो जाने चाहिए आ। मेरे वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे नाम जपण दा तां ही फायदा है जे असी वादू दे वहमां भरमां नूं वादू दे डरां नूं अपने मन विचों कढ लईए, पर असी तां इन्हां वहमां भरमां विच पए रहिंदे आ, जादू टूने धागे तवीतां तों डरदे रहिंदे आ। जे तुहाडे वी मन दे विच कोई इदां दा वहम पावे कि तुहाडे घर विच किसी ने कुछ कर दिता है, तेरे उत्ते किसी ने जादू किया है, टूना किया है, कईआं दी आदत हुंदी है ना कि कई पखंडी बाबिआं कोल तुरे रहिंदे ने अते उन्हां वल्लों दित्ते गए टूने टोटके करदे रहिंदे आ, कदी किसी के घर दे अगे कुछ रख दिता, कदी चुरस्त्यां दे विच कुछ रख दिता। यह आम ही देखण नूं मिलदा है कि चुरस्त्यां दे विच बौकरा नींबू संदूर वर्गियां कई वस्तु पईआं हुंदियां ने, ते उन्हां नूं वेख के डरिया ना करो, चाहे जिन्हें मर्जी टूने टप जाओ, जिन्हें मर्जी धागे तवीत तुहाडे घर कोई सुट दे, अपने परम पिता परमात्मा उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी ते विश्वास रखो कि मेरा पिता किन्ना वड्डा है जिसने साडी हर थां ते रखिया करनी आ।
जिस नूं असीं रोजाना अमृत वेले उठ के याद करदे आं, ओह हमेशा मेरे अंग संग रहिंदा है। इस गल दा विश्वास रख्या करो। पर आपां इन्हां निक्के निक्के जादू टूणियां तों, इन्हां धागे तवीतां तों डर जांदे आं ते सिद्धा सिद्धा साडा गुरु दे उत्ते बेविश्वासी है। फिर साडा नाम जपण दा, पाठ करन दा, उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे अगे मत्था टेकण दा कोई फायदा नहीं। मैं तुहानूं अपनी गल दसदी आं कि मैं ते मेरे वड्डे दीदी कुछ समा पहला असीं रोजाना ही 4 बजे दे करीब गुरु घर जाने सां। साडे घर तों जो पहला मोड़ है वह चरस्ता है ते उत्थे कई तरह के टूने टप्पे चरस्ते विच बौकरां सुटना आम गल। असीं जदों भी गुरु घर जाने तो पता नहीं किन्ने ही ये टूने टप्पे होणगे। जदों असीं गुरु घर तों वापस आउंदे तो असीं आके देखना कि साडे घर दे मोड़ दे उपर कई लोग इकट्ठे होए हुंदे सन ते उह जो भी जादू टूना कीता हुंदा सी उस तों बड़ा डर डर के पिछे हटदे कि हाए किसने करता किसने करता। अते असीं दोनों जणियां मन ही मन दे विच हसदियां कि ये टूने दा असर तां असीं कदों दा खत्म कर गईआं। सब तों पहला तां असीं घरों बाहर निकलियां सी अते इस टूने नूं असीं ही टप्पियां सी। इस लई जिथे वाहिगुरु जी दे उत्ते भरोसा होवे ना उत्थे डर नहीं हुंदा। उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे उत्ते भरोसा होना चाहीदा है कि जिस दे सिर दे उत्ते मेरे गुरु नानक पातशाह जी दा हत्थ होवे, जिस दे उत्ते मेरे गुरु नानक पातशाह जी दी मेहर दी निगाह होवे, उस दा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकदा क्योंकि सब तों वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। इसलिए डरिया ना करो, किसी भी वहमां भरमां दे विच ना पिया करो क्योंकि सब तो वड्डे मेरे गुरु नानक पातशाह जी ने। अते जो मनुख भी रोजाना अमृत वेले उठ के नाम जपदा है जे ओह अपने वाहिगुरु अकाल पुरख जी नूं 10 मिनट भी एक मन एक चित हो के याद करदा है, चाहे ओह किसी बाणी दा उचारण करदा है चाहे मूल मंत्र जी दा जाप करदा है, तो उसका कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता। कोई भी धागा तवीत कोई भी जादू टूना उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए जे तुहाडी जिंदगी दे विच रजेवे बहुत ज्यादा ने तो घट्टो घट्ट अमृत वेले उठ के एक माला मूल मंत्र जी का जाप जरूर करया करो। 10 मिनट भी मूल मंत्र जी का जाप कर लोगे तो कोई भी माड़ी शक्ति कोई भी बुरी शक्ति तुहाडे घर वाल मूह नहीं कर पावेगी। ये गल पक्की है। पर अपने वाहिगुरु जी दे उत्ते भरोसा होना विश्वास होना बहुत जरूरी है। ते आओ रोजाना ही अमृत वेले उठिए, गुरु नानक पातशाह जी नूं याद करिए, उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी का नाम जपिए, चाहे 5 बाणियां का नितनेम करिए चाहे मूल मंत्र जी का जाप करिए, पर अपने वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे उत्ते भरोसा अते विश्वास पक्का करिए। ता देखना चाहे जिन्नी मर्जी वड्डी मुसीबत आ जावे, जिन्ना मर्जी कोई वड्डा डर साडे सामने होवे, कोई दुख होवे चाहे रोग होवे, साडा वाल भी विंगा नहीं कर पावेगा। जेकर ये वीडियो वधिया लगी हुई तो इस नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना अते अपने सुझाव कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखना अते मैनूं दसना कि किस किस ने किन्ने क टूने टप्पे ने, किन्नियां दे उत्ते उस टूने दा असर होया है अते किन्नियां नूं मेरे गुरु नानक पातशाह जी ने कई वार हाथ दे के रखिया है। जदों तुसीं अपने गुरु नानक पातशाह जी दी प्रतख शक्ति दे दर्शन कीते होण एक कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।